हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी, वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। आप सबको पता है ये शेयर डीलिस्ट हो चुका है और फ्रेंड्स पोर्टफोलियो में भी आप लोगों के आप देख सकते हैं कि वहाँ से ये हट चुका होगा। तो फ्रेंड अब क्या इसकी रीलिस्टिंग की कोई न्यूज़ आ रही है? क्योंकि फ्रेंड्स अब रीलिस्टिंग की न्यूज़ आने पर ही कुछ पता लग सकता है कि जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनके फेवर में कुछ होता है डिसीज़न, उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिकॉज ऐसा हिस्ट्री में होता है कि शेयर अगर डीलिस्ट हो जाता है तो अब जिस कंपनी ने उसे एक्वायर किया होता है और अगर वो उसे रीलिस्ट करती है तो पुराने शेयर होल्डर्स को भी कुछ शेयर्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप सबको पता है कि मुकेश अंबानी जी ने इसे 3,564 करोड़ में ख़रीदा है सिंटेक्स इंडस्ट्री को। एंड फ्रेंड्स रीलिस्ट होने से निवेशकों को फ़ायदा हो सकता है अगर पुराने निवेशकों के लिए कंपनी कुछ सोचती है तो। अगर वो इन्हें कुछ शेयर देंगी, कुछ शेयर की हिस्सेदारी देंगी तो उन्हें फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पर बस पेशेंस रख सकते हैं। एक कंपनी का आपको नाम बताती हूँ, रुचि सोया। रुचि सोया के साथ भी फ्रेंड्स ऐसे ही हुआ था। वो कंपनी डीलिस्ट हुई थी और फिर रीलिस्ट हुई थी और रीलिस्ट होने के बाद उसमें बैक टू बैक अपर सर्किट और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ था क्योंकि उस कंपनी ने पुराने निवेशकों को भी शेयर बांटे थे। बट अभी तक मुकेश अंबानी जी ने ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जब रीलिस्ट करें तो पुराने निवेशकों को भी कुछ दिया जाए। तो मैं शेयर को ट्रैक कर रही हूँ, अगर कुछ भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो फ्रेंड्स मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। आपको बस बेल बटन को प्रेस करके रखना है। ये ऐसा हिस्ट्री में हो रखा है। थैंक यू सो मच।